हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे स्टूडेंट। आई होप मैं आपको जितनी भी मैथ के एक्सरसाइज करा रही हूँ, आई होप आपको उसके साथ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 10.2। 10.2 इज कन्वर्ट इंटू मीटर्स। आज मैं आपको आपकी मैथ की न्यू एक्सरसाइज 10.2 करा रही हूँ। इसमें आपको मैं कन्वर्ट इनटू मीटर्स, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बताऊँगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सम है बच्चों 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है, हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मीटर्स में। किस में करना है? मीटर में। लास्ट वीडियो में हमने 10.1 करी थी, उसमें सेंटीमीटर था, मीटर को सेंटीमीटर में। अब हमें इसमें किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, बताओ? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो बच्चों, हमें कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बेटा? 6 किलोमीटर में हमें 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 1000 से। 1000 मीटर से 6 किलोमीटर को किससे करना है? 1000 से। तो हमने 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया स्टूडेंट? 0 0 0 6 1 6। तो हमारा कितना आया? 6000 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखो, हमने 6 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो कितने होते हैं बेटा? 1000। तो 6 हमें पूछा हुआ है 6 किलोमीटर, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। ओके स्टूडेंट्स, एक और देख लेते हैं हम, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 14 किलोमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर। ये हम यहाँ पर राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कितना पूछा है? 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 14 को हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 1000 से, 1000 मीटर से। तो 1000 मीटर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14 को। 4 को हमने 0 से करी तो 0 आएगी, मैंने आपको बताया हुआ था। अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बेटा? हमारा 0 ही हमारा आंसर आएगा। 0 को 4 को 0 से 0, 4 को 0 से 0, 4 को 1 से किया तो बेटा 4 1 जा 4। अब 0, फिर 0 आएगी, फिर 0 आएगी, और 1 का 1 से किया तो 1, 0 0 0। तो ये हमारा कितना आ गया? 14,000 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? 14 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 14,000 मीटर। कितने होंगे बच्चों? 14,000 मीटर्स। ओके स्टूडेंट, अब हम एक और कर लेते हैं। ये थोड़ा इससे अलग है, इसमें मीटर किलोमीटर और मीटर दोनों दिए हुए हैं। तो जैसे 8 किलोमीटर और 275 मीटर हमें दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें किसको कन्वर्ट करना है? 8 किलोमीटर को हम पहले कन्वर्ट करेंगे।
फिर बाकी का जो हमारा लास्ट है उसको हम बाद में करते हैं। 8 किलोमीटर 275 मीटर। अब हमें बेटा देखो, अब जो हमारा ये है मैन, हम इसको करते हैं 8 किलोमीटर का करेंगे। हम 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए? 1000 मीटर से। और हमारा ये क्या है, मीटर दिया हुआ है 275 मीटर, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। 275 मीटर को इसमें हमने प्लस कर दिया। तो अब हम इसको पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमारा 8000 आता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारा आ गया 8000। अभी तो हमारा इतना आया था, बाकी का हमारा ये वाला बचा हुआ है। जो हमारा बेटा ये वाला बचा हुआ है इसमें हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 275 को हम इसमें प्लस कर देंगे। अब हम 8000 में 275 हमने प्लस किया तो हमारा कितना आया बेटा, इसमें हमने इसको प्लस किया तो बताओ 275 को 8000 में, तो हमारा आंसर आया 8275 मीटर। हमारा क्या है बेटा ये आंसर। ये हमारा क्या है आंसर। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हाय स्टूडेंट्स, एक और कर लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लेते हैं बेटा 5 किलोमीटर को हम एंड 370 मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले राइट करेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000। कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। ओके बेटा, तो अब हम 5 किलोमीटर 370 मीटर में कितने होंगे बच्चों, पहले हम 5 किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मीटर से। प्लस जो हमारा 370 है उसको हम इसमें प्लस कर देंगे। जो हमारा 370 को हम जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसमें हम इसको प्लस कर देंगे। आप 15 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को हमने 0 से करी, 0 फिर 0 फिर 0, 30 है, 3 आ गया, 5 बन जा 5, मल्टीप्लाई 1 की 0 से 001, 005 एंड 1। तो ये हमारा आ गया 15000। मल्टीप्लाई करने पर पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 15000 मीटर प्लस 370, इसमें हमने प्लस कर दिया। 15000 में हमने 370 को प्लस किया तो कितना आया बेटा, 15370 मीटर हमारा आंसर आ गया, 15370 मीटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा, 15 को जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 15000 आया। प्लस जो हमारे बचा हुआ था 370, उसमें हमने इसको प्लस कर दिया तो प्लस करने पर हमारा आंसर आया 15370 मीटर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज फिर भी ना समझ में आए तो आप बेटा मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।